जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बड़ा पुराना प्रसंग सुनाया। उन्होंने बतलाया कि एक बार मेरे पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि स्वामी जी मैं भजन करूंगा। तो मैंने उस आदमी को रास्ता बता दिया और वो भजन करने भी लगा। अच्छा समय भजन में वो देता था। फिर एक दिन वो मेरे पास आया और आकर बोला कि स्वामी जी मैं गंगा नहाऊं। तो मैंने कहा कि भाई चला जा नहा ले। तो वो गया और गंगा नहा कर आया। फिर थोड़े दिनों बाद फिर वो आया और बोला कि स्वामी जी मैं गंगा सागर हूं। तो मैंने देखा कि उसकी दबी इच्छाएं उठ रही हैं। मैंने कहा कि जा भाई हो आ। तो वो गंगा सागर गया और जिस नाव पर वो बैठा उस पर और भी लोग थे। तो जब नाव बीच में पहुंची नदी के, गंगा सागर के, तो डगमगाकर डूबने लगी। वो तैरना जानता था, किसी तरह से कूदकर बच निकला। बाकी सारे यात्री डूब गए। कुछ दिन बाद फिर वो बच बचाकर जब लौटा तो आकर मुझसे बोला कि स्वामी जी मैंने सब कुछ देख लिया, कहीं कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी इच्छाएं उठती हैं, उसी के पीछे तुम भागते रहते हो और कहीं कुछ तुम्हें मिलता नहीं तो निराश होते हो। मिलेगा तो महापुरुषों के पास, अन्यत्र कहीं नहीं। जय गुरुदेव।